को काटने की तैयारी की जा रही है। वो अगर कहीं ना कहीं अगर बसपा अपना कोर वोट ले जाती है तो इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ेगा और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। नैन्सी का चुनाव है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि दोनों तरफ से मैनपुरी भी इस बार परिवर्तन की राह पर चल रहा है। आपके उत्साह के माध्यम से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर इनके द्वारा देश के अंदर मुस्लिम पुष्टिकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए गौहत्या को प्रश्रय देने के कुत्सित चेष्टा भी कांग्रेस कह रही है करेंगे। बैनर लिया वोट देने का मतलब भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ और कोई भी सच्चा भारतीय जो अपनी आस्था को सम्मान करता है वह कांग्रेस गठबंधन के इस साजिश को कतई सफल नहीं होने देगा। आज आपने आकर उत्साह दिखाया है, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। बहनों भाइयों, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं और वह है कि सरदेव कल्याण सिंह जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिनका पूरा जीवन श्री राम जन्मभूमि के लिए समर्पित था, आपने देखा होगा जब उनका स्वर्गवास हुआ था तो समाजवादी पार्टी ने एक भी शब्द संवेदना के नहीं व्यक्त किए थे। बहनों और भाइयों, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के दिवंगत होने पर मैं स्वयं उनके गांव गया था, श्रद्धांजलि देने के लिए गया था, प्रधानमंत्री जी ने अपनी संवेदना व्यक्त की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी किस तरीके से लोकनायकों को अपमानित करने का कार्य करती है यह किसी से छुपाना नहीं है। इसीलिए जो समाजवादी पार्टी बाबूजी कल्याण सिंह जी का अपमान करती हो, जो समाजवादी पार्टी आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती हो, जो समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति जनता के पिछड़ी जाति के लोगों के हकों का संरक्षण करने का कार्य करती हो, ऐसे परिवारवादी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की सजा दी जानी चाहिए। और इसी के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। 7 मई को होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना दल निषाद पार्टी इन सभी एनडीए के सभी घटकों के द्वारा समर्पित प्रत्याशी श्री जयवीर सिंह को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए आप सबसे करते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुन रहे थे आप जहां बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह के लिए उन्होंने वोट की अपील की है और इसके साथ ही उन्होंने लोगों से कहा है कि आप वो वादा करते हैं कि आप मैनपुरी में भी पूरे उत्तर प्रदेश में माफियाओं का अंत है और कोई भी अगर अपराध करने की कोशिश करेगा तो इसी तरीके से उसके साथ सलूक किया जाएगा कि 10 बार वो ये सोचे। तो बुलडोजर के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो जहां भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहाँ पिछड़ों के हक के लिए डकैती की गई थी और पिछड़ों के लिए भी यहाँ पर काम किया जाएगा, विकास का काम किया जाएगा। और इस दौरान भारी समर्थक यहाँ पर पहुंचे थे। ये तस्वीरें देखिए जहाँ महाराणा प्रताप चौक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है और यहाँ पुष्प वर्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिव्य और भव्य रोड शो के बाद रोड शो में भारी संख्या में लोग यहां पर जुटे हुए थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आपने सुना, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह के लिए उन्होंने वोट की भी अपील की है और इसके साथ ही माफियाओं के अंत की भी बात उन्होंने कही है कि किसी भी बदमाश को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा, सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने सभी लोगों से वोट की अपील की। तो आज मैनपुरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो था, जहां पर भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा था, लोग यहां पर अपना अभिवादन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे रहे थे और इस दौरान काफी उत्साह लोगों में दिखा था। और मुलायम सिंह यादव का गढ़ है मैनपुरी, जिसे भेदने के लिए बीजेपी भरसक प्रयास कर रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये रोड शो था जहां पर भारी संख्या में लोगों का समर्थन उन्हें मिला है। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।